डिजाइन बाय आरएस से इसमें 7 स्टोरेज बनाई है, देखते हैं कैसे। पहला जो स्टोरेज है वो छोटी चीज़ों को रखने के लिए, जैसे मोबाइल चार्जर हो गया और बुक्स वगैरह हो गए, उसके ऊपर आप कॉफ़ी कप वगैरह भी रख सकते हो और इसका साइज है 9x12। दूसरे स्टोरेज की बात करें तो ये 15 इंची बाय 4.5 के आसपास है स्पेस, जो काफ़ी अच्छा स्पेस माना जाता है। और इसमें आप कुछ भी 15 इंची 16 इंची की इसमें ओपनिंग और एक ओपनिंग है, तो आप इसके अंदर काफ़ी चीज़ रख सकते हैं जिसको हमने मैग्नेट से अटैच कर रखा है। चलो इसको बंद करते हैं और चलते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट आपको बाद में दिखाऊंगा, फेवरेट है और वो देखने वाली ही चीज़ है। चौथे पॉइंट में मिलता है आपको 3x3 का एक ऐसा बॉक्स जिसको आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हो, बीच में पार्टीशन और ऐसे ही अपोजिट में है 3x3 का यहाँ पर मिलता है, जिसमें पहले पॉइंट, चौथे पॉइंट और पाँचवें पॉइंट में हमने पार्टीशन कर रखा है। तो इससे बाद चलते हैं अपने छठे पॉइंट की तरफ। छठे पॉइंट में हमने आप ये ड्रॉवर दे रखा है जिसमें लॉक प्रोवाइड कर रखा है, ये हमने बनाया है। तो ये 3 फीट बाय 2 फीट का पूरा स्टोरेज है और इसके जो बैक साइड में जो निकलता है वो आपका 3.5 बाय 4 फीट का ये पूरा का पूरा एक स्टोरेज निकलता है, जो कि काफ़ी अच्छा स्पेस होता है और इसमें भी हमने लॉक प्रोवाइड कराया है। तो आप अपनी एक्सपेंसिव चीज़ इसमें थोड़ी सी डाल के जा सकते हो। और जो तीसरा पॉइंट है उसमें क्या है कि हमने ये पीछे का जो सिराना है हमने उसमें नीचे स्टोरेज दी हुई है, लगेज वगैरह कुछ भी स्टोरेज कर सकते हैं और यार डेली बैग, खास बात यह है हमने कहीं पर भी इसमें हमने हैंडल यूज नहीं करे, आपने देखा होगा हर जगह हमने फिंगर से ही खोला है, फिंगर से ही बंद किया है। इस बेड में आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। इस बेड की हमने वर्किंग कैसे करी और ड्राइंग कैसे बनाई है उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट्स करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।